नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं आया हूँ चाइना में कुइचो नाम के राज्य के कुइयांग राजधानी में, और आज मेरा एक दोस्त है वो इस बिल्डिंग में अपना मकान खरीदना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ नया साल आ चुका है और नए साल पे लोग नए नए मकान खरीदते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो दिखाता हूँ अंदर कैसे मकान होते हैं और कितना पैसा ये चार्ज करते हैं एक बिल्डिंग में एक फ्लैट के लिए। चीन में जितनी भी सोसाइटीज़ होती है दोस्तों, उनका जो मुख्य दरवाज़ा है उसको खोलने का तरीका इंडिया से भिन्न है। भारत में क्या करते हैं, वहाँ पे गार्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षाकर्मी न होकर के आपके अपने अंगूठे से, आपके कार्ड से या फिर आपके चेहरे की पहचान के अकॉर्डिंग ये दरवाजे खुलते हैं। सोसाइटी का नाम है लेजर टावर और हम यहाँ पर आए हैं। इस बंदे ने ये अपना यहाँ पर फ्लैट सेलेक्ट किया है कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, आज ये अपने परिवार को दिखाने के लिए लाया। ये देखिए सोसाइटी का मैं दर्शन कराता हूँ, और ये इसके पिताजी, उसकी सिस्टर, उसके खुद के बच्चे, सिस्टर के बच्चे, ये सब यहाँ पे आए हैं। और ये सोसाइटी में बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था है और आपके पैदल चलने की। ये मेन बिल्डिंग का दरवाज़ा है, ये भी उसी तरीके से खुलता है जैसा सोसाइटी का दरवाज़ा खुलता है। चलिए 25वें माले पर चलते हैं और उसके आगे चलते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं। ये देखिए 25वें माले पे पहुंचने पे आपको शहर का ऐसा नज़ारा दिखता है और बहुत सारी बिल्डिंग है छोटी छोटी नज़र आती है। अंदर चलते हैं और सब लोग जा रहे हैं। यहाँ नए साल पे लोग मकान खरीदते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हम दिवाली पे धनतेरस पे खरीदते हैं, वैसा यहाँ पर ये लोग अपने नए साल के ऊपर खरीदते हैं। तो ये देखिए अभी मकान बना है और अंदर फर्नीचर का काम चल रहा है। सबसे पहले मैं दर्शन कराता हूँ मेन डोर का। मुख्य दरवाजे के बगल में ऐसा फर्नीचर था और उसके बगल में आता है ये इनका रसोई घर के अंदर आप देखिए आपको पूरा इलेक्ट्रिक चिमनी मिलेगी। इसके अलावा ये पानी से बर्तन धोने की जगह, और उसके जस्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये है दोस्तों कपड़े धोने की जगह और वॉशिंग मशीन यहाँ है। इसका अलग से मैं दर्शन कराऊंगा आपको। चलिए अंदर चलते हैं। ये है इनका लिविंग एरिया और सोफ़ा लगा है यहाँ पर। आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये इसके समानांतर कुछ अन्य इमारतें हैं, उनको भी आप देख सकते हो, नीचे चलने वाली गाड़ियों को देख सकते हो। और अभी लिविंग एरिया का जो एरिया है वो आप देखिए कितना बड़ा आपको दिखाई पड़ता है। ये एरिया लगभग 20x12 के हिसाब से लगभग नज़र आता है, तो ये बहुत अच्छा है। ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ आकर के छुपम छुपाई खेल खेलना शुरू कर दिया है। हमारे भारत में भी बच्चे जो भगवान का रूप माना जाते हैं कहीं ना कहीं खेल खेलना शुरू कर ही देते हैं। चलिए पहला कमरा दिखाता हूँ। यह है 1 बेड का, सिंगल बेड का कमरा है, छोटा कमरा है, 10x8 के करीबन साइज है। इसका फर्नीचर देखिए, फर्नीचर की फिनिशिंग बहुत गजब है दोस्तों, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और चाइना की ये खासियत है कि यहाँ जिस भी चीज़ की पैकिंग की जाती है बहुत अच्छी। ये देखिए ये यहाँ का बाथरूम है और इसी में शावर लगा है। इसके साइड में जो अभी मैंने रसोई घर से दिखाया था वो सारे यहाँ कपड़े धोने की व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे। इसके बगल से हम चलते हैं, इसके पास में एक नया रूम और है। ये यहाँ का ना गीजर लगा है, इलेक्ट्रिक गीजर। तो अंदर जो दूसरा रूम है उस रूम का दर्शन कराता हूँ, उस रूम में क्या क्या है। ये रूम है दो लोगों के सोने का, ये क्वीन साइज का बेड है। इसके बगल से देखिए इनका जो फर्नीचर है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अलमारी लगी है, तो आप इसे देख सकते हो बहुत अच्छा है। और यहाँ का लॉक हैंडल ये भी देखिए, सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम इन्होंने लगा रखा है अंदर, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए सेंट्रलाइज्ड एसी को यहाँ कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ का नज़ारा ये आप देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा और सब चीज़ें दिखाता हूँ आपको। बाहर देखिए, बाहर आपको अपने राज्य की राजधानी को देखने का मौका मिलता है आराम से सुबह उठते ही। ये इनका जो मास्टर बेडरूम है वहाँ आपको लेके चलता हूँ। इस मास्टर बेडरूम में ये जो बेड है ये किंग साइज का बेड है, और आप इसे देख ही पा रहे होंगे। इस किंग साइज बेड के साथ साथ में ऐसा साइड में जो लगा इनका फर्नीचर है उसको आप देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा इन्होंने फिनिशिंग दी है। कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ कुछ कमी छोड़ दी, तो ये बहुत अच्छी इनकी कारीगरी है, देख करके अच्छा लगता है और काबिले तारीफ भी है इनकी। अंदर भले ही कैसी भी क्वालिटी हो लेकिन दिखने में बहुत गजब दिखता है।
मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। यहाँ पे और चीज़ें बताऊंगा आपको कई जो आपको शायद नहीं मालूम होगी, और चीन की जो संस्कृति है उसके बारे में एक वास्तविक दृश्य मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। सन 2013 से मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाते जा रहा हूँ। ये चीन का सबसे पुराना भारतीय यूट्यूब चैनल है। ये यहाँ पर नेकी की दीवार का बक्सा है। इसमें आपके पास कोई भी अलग से एक्स्ट्रा वस्तु होती है उसे आप डाल सकते हो। यहाँ सोसाइटीज़ की ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, बैठने की इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। ये देखिए दूसरा मुख्य दरवाज़ा है, अंदर से आओगे ये आपके सेंसर से खुलेगा, आपकी पहचान कर लेगा, और बाहर से जाओगे तो आपको पासवर्ड और इन सब माध्यम से अंदर जाना पड़ेगा। अभी मॉर्निंग का समय है, प्रातःकाल है, तो हम कुछ ना कुछ खाना खाते हैं और हम चले हैं चाइनीज़ जो यहाँ का कुइचो की नूडल्स होती है जो उनको खाने के लिए। तो अभी प्रातःकाल का हम भोजन करेंगे यहाँ पे। ये लोग बोले कि सर आप आइए, हम आपको हमारे यहाँ की लोकल फूड खिलाते हैं जो यहाँ का लोकल नूडल्स हैं। चलिए देखते हैं इनका कैसा लोकल नूडल्स है। ये देखिए इसमें बहुत मिर्ची होती है दोस्तों, और वैसे खाने में बहुत टेस्टी होता है, चाइनीज़ लोगों बहुत चाव से खाते हैं इसे। और वैसे जैसे भारत में जगह जगह पे पग पग पे पानी और वाणी दोनों बदलती जाती है, वैसे यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ें सेम ही है। चाइना के लोग बहुत सारा लहसुन खाते हैं। वैसे आप मुझे पूछोगे कि ये क्या लगा रखा है मैंने, तो मैं आपको बता दूँ ये है कान ढकने का मेरा तरीका। अब कौन टोपी ओढ़े और कौन ऐसा सिस्टम करे, उसके लिए कान ढकने का मैंने सिस्टम बनाया है। और ये जो फ्लैट मैंने दिखाया था इसका यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कीमत है इंडिया की, और 1 करोड़ में आपको 3 BHK का फ्लैट मिल रहा है। वो है यहाँ के कुयांग जिला, कुयांग नाम से शहर है जो कुइजो नाम का राज्य है उसकी राजधानी है, और ये वाला फ्लैट 1 करोड़ रुपए का है। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, उन सब में आप करोड़ जो फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो फ्लैट की कीमत आपको 1 करोड़ से फिर ऊपर जाती जाती है। आपको जैसी लोकेशन और जैसा ही फ्लैट का डिज़ाइन वगैरह सब मिलता है वैसे निर्भर करता है। तो दोस्तों फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। और कमेंट करिए मेरे 500 से अधिक और वीडियो, उनको देखिए, यार दोस्तों को शेयर करिए। आपको यहाँ की कई चीज़ें दिखाता हूँ और आपके लिए नए वीडियो बनाए जाएंगे आपकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग।